हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें एनर्जी क्यों चाहिए। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि न्यूट्रिशन चाहिए हमें एनर्जी के लिए। सिर्फ एनर्जी ही नहीं, एनर्जी के साथ हमें रॉ मटेरियल्स भी मिलता है थ्रू न्यूट्रिशन। तो दो रीज़न हो गया आपका न्यूट्रिशन का, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स, ठीक है। ऑल दो ये रॉ मटेरियल्स और भी तरीके से आ सकता है, बट न्यूट्रिशन कुछ जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रॉ मटेरियल्स में भी। तो आपका एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स, ये है आपका पर्पस न्यूट्रिशन का, ठीक है। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, लिविंग बींग नहीं रहेगा, उसका लाइफ प्रोसेस रुक जाएगा, कोई काम नहीं हो सकता आपका बिना एनर्जी के। सो एनर्जी आपको चाहिए ही चाहिए, न्यूट्रिशन आपका होना ही होना है। तो ये तो बात है पर्पस का, बट सिर्फ पर्पस ही नहीं, आपका किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन का टाइप क्या होगा, ये चीज़ कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कैसा ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ये डिसाइड करता है कि किस तरह से न्यूट्रिशन हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला चीज़ जो कि खुद से, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, हम लोग जो भी जनरली जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हम लिविंग बींग्स हम बात कर रहे हैं कि जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग मोस्ट ऑफ द चीज़ ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में सेट करने वाले बहुत कम ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो जो गिने चुने ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स, उनको हम कहते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सबसे पहला टाइप होता है। क्या है ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स से ऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मैटर जो है ये आपका चेंज होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, ठीक है। बहुत ऑर्गेनिक कर रहे हैं ना हम लोग। क्या है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट जैसा फॉर्म है वो, उसको हम लोग बेसिकली गिनते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में, और जो उसके जैसा नहीं है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आपका प्रोटीन्स ये सब जो सेट ऑफ कंपाउंड्स जिसे हमारा बॉडी बना हुआ है, ठीक है, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और जो नहीं मिलता है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऐसे कह देते हैं। ये चीज़ आपको और बेटर क्लियर होगा जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और से जो चेंज हो रहा है ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, वो हो रहा है थ्रू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में किसको हम बात कर रहे हैं, जब हम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बोल रहे हैं तो बेसिकली हम किसको बोल रहे हैं, ऑफकोर्स यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है, बट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर CO2 का, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज हो रहा है, यानी कि ये चेंज हो रहा है आपका ग्लूकोज या फिर इससे रिलेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। ग्लूकोज या ग्लूकोज रिलेटेड कंपाउंड्स जो हैं उसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो ये होता है आपका ऑटोट्रॉफिक, ये होगा आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या होगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स में चेंज होगा। कौन करेंगे इसको, इसको करते हैं ग्रीन प्लांट्स, और कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं सियानोबैक्टीरिया, इनको हमने शौक से एक निकनेम दिया है, क्या दिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों दिया है, क्यों दिया आपको पता है, क्योंकि सियानो जो वर्ड है, सियानो इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर, सियान कलर जो होता है, ये ब्लू ग्रीन कलर जो होता है उसको हम लोग सियान कलर कहते हैं। और इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको पहले अज्यूम किया जाता था कि वो एल्गी हैं। क्यों अज्यूम किया जाता था, क्योंकि उनको पहले प्लांट्स में रखा गया था और प्लांट्स में तो एल्गी होते हैं, तो इसलिए उनको नाम रखा गया था ब्लू ग्रीन एल्गी,
बाद में जब रिसर्च हुआ तो हमें पता चला कि एक्चुअली ये बैक्टीरिया है, और तब से इसका नाम पड़ा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, जो कि सनलाइट को बेसिकली यूज़ करके इनऑर्गेनिक यानी कि CO2 को चेंज करते हैं ग्लूकोज में। कैसे करते हैं तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो बेसिकली ये था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका अलग है, और बाकी जितना भी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आप आगे पढ़ोगे वो सारा बेस्ड होगा आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। ठीक है, तो हम लोग वो सब देखते हैं। ओके, तो पहला था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तीसरा जो है वो है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और फोर्थ जो हम बात करेंगे वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये तीनों को कलेक्टिवली हम एक टर्म देते हैं और वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बेसिकली आपका दो तरह का न्यूट्रिशन हुआ, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो मीन सेल्फ, तो खुद से जो पका गया मतलब कि खुद से जो ऑर्गेनिक मैटर्स बनाया वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और जो खुद का नहीं बनाया हेटेरो मीन्स होता है अदर्स, तो जो दूसरे से न्यूट्रिशन लिया अदर्स से न्यूट्रिशन लिया उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये सब जो है ये सारे आपके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बेसिकली आते हैं। ठीक है, बात करते हैं एक एक करके। सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रो जो होता है ये वर्ड होता है डेड के लिए यूज। ठीक है, डेड, तो जिन जो डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनको हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक और होलोजोइक में पहले आप होलोजोइक देख लो, आपको पैरासिटिक ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। होलो मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, एंड जो इज फॉर एनिमल्स, तो जो कंप्लीट एनिमल्स को खा ले रहे हैं उनको कह रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। बट यहाँ पर जोइक जो वर्ड है, जू मतलब जो एनिमल्स जो बोला जा रहा है, एनिमल्स का बोलने का मतलब सिर्फ एनिमल्स नहीं है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को खा ले रहे हैं वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे कि प्लांट को आप कुछ खाते हो प्लांट्स का, तो क्या होता है बेसिकली आप प्लांट्स का यूज़ करते हो, मतलब प्लांट्स का आपको कहीं ना कहीं आप प्लांट्स को किल कर रहे हो, प्लांट्स का कुछ ना कुछ उसको डैमेज कर रहे हो। लाइक अगर आप उसका फ्रूट भी खा रहे हो, तो फ्रूट बेसिकली आपके लिए तो निकाला नहीं है ना प्लांट तो रिप्रोडक्शन के लिए फ्रूट है उसका, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसका नेक्स्ट जनरेशन का फ्रूट, मतलब नेक्स्ट जनरेशन का जो है आप उसका खा ले रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उस प्लांट का एक पार्ट को खा रहे हो, मतलब प्लांट को खा रहे हो। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म को खा रहे हो, तो दैट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसको हम लोग गिनते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ठीक है, जिसमें ये कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। ठीक है, तो प्रीडेटर काइंड ऑफ जो चीज़ हो गया वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आ गया। अब पैरासिटिक क्या होता है, यहाँ पर तो हमने मार दिया, जिसको खाया हमने उसको मार दिया। अब जो जहाँ पर नहीं मार रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे चिपके हुए हैं और बिना माने ही उसे कंटिन्यूस खाते जा रहे, तो वो चिपकू टाइप के जो होते हैं ना, चिपक के थोड़ा खून चूस लेंगे, वो वाले हैं पैरासिटिक। ठीक है, जो आपके पास सट करके आपसे लग करके आपका खून ले लेंगे वो है पैरासिटिक। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का क्या होता है, जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं है, बट उससे कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन लेते रहता है। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे सबके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। ठीक है, तो इसमें आप बेसिकली ऐसे समझ लो डेड डिकेइंग मैटर से खाना पीना मिलता है। कौन लेता है, इसका एग्जांपल है फंगी। ठीक है, पैरासिटिक मतलब कंटिन्यूअस फीडिंग विदाउट किलिंग।
ठीक है। एग्जाम्पल इसका है कुछ तरह के माइट्स, टिक्स, ठीक है, टिक्स है, कुछ तरह के माइट्स हैं, ये एनिमल में हो गया। प्लांट्स में भी है, पैरासिटिक प्लांट्स जैसे कस्क्यूटा, अमरबेल, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। होलोजोइक हम लोग जो खा पी रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट फीडिंग, ठीक है, ये आ जाएगा आपका होलोजोइक में, कंप्लीट फीडिंग। ऑल्दो इसमें कंप्लीट बोलने का मतलब है कि जो भी चीज़ आप ले रहे हो वो पूरा ही ले रहे हो, तो दैट इज़ कंप्लीट फीडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें हम लोग का ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस, वी ह्यूमंस आर होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स, जितने भी फ्रूगीवोर्स हैं, जितने भी आपके हर्बीवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, सब इसमें आते हैं, ठीक है। ह्यूमंस को आप बेसिकली हटा ही दो, फ्रूगीवोर्स हो गए, हर्बीवोर्स हो गए, ओमनीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, ये सारे आपके आ जाएंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन में। वैसे आपको पता तो है ना ओमनीवोर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स किसको बोलते हैं, फ्रूगीवोर्स किसको कहते हैं। बेसिकली हर्बीवोर्स मतलब कि जो भी घास रिलेटेड यानी कि प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स, और ओमनीवोर्स हम कहते हैं उनको जो कि प्लांट और एनिमल बेस्ड दोनों पे बेस खाना पीना खाते हैं, उसको हम लोग ओमनीवोर्स कहते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स कहते हैं जो कि पूरा एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। फ्रूगीवोर्स क्या चीज़ है, जो फ्रूट्स खाते हैं, जो फ्रूट्स पे टिके हुए हैं, दे आर फ्रूगीवोर्स, ठीक है। ये सारे आपके आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके, सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है, ओके। तो बात करते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हमने पहले ही बात किया है कि इसमें ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, तो वो जो मेथड है, जो प्रोसेस है जिससे चेंज होता है, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो का मतलब यहाँ पे फोटो जो वर्ड है, फोटो, ठीक है, फोटो जो वर्ड है ये आया है फोटोन वर्ड से, और फोटोन वर्ड का मतलब होता है लाइट, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग, ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग। तो जो फूड मेकिंग है जो हो रहा है लाइट से, ठीक है, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है, बात किया हमने। अब जो कार्बन, मतलब आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका बन रहा है ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 इस फॉर्म में बन रहा है। अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, पानी से आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस में आपका कुछ ऑक्सीजन भी निकलता है, ठीक है, निकलता है। ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे बाद में, बट फिलहाल आप ये देखो, ठीक है, इसको ये जो प्रोसेस होता है ये आपके लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लाइट में खड़ा हो जाएगा तो ये प्रोसेस कर लेगा क्या, कर सकता है ये लाइट, हम लोग क्या ये लाइट में जाकर के ये प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्सिटी उस तरह से नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे चाहिए, एक चीज़ और जो चाहिए होता है वो होता है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल हमारे पास नहीं है, तो क्लोरोफिल जिनके पास होता है वही ये लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं और मतलब फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिला करके लाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में बेसिकली तीन पार्ट्स इन्वॉल्व हैं और कुछ रॉ मटेरियल्स। तो ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल,
ठीक है। जो सबसे पहला स्टेप होता है, जो सबसे पहला काम होता है, वो क्या होता है कि क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है, ये जो पानी है, ये लाइट, मतलब लाइट से जो, ये लाइट से जो एनर्जी मिला, इस एनर्जी को यूज़ करके वाटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल, ये जो लाइट था इसका एनर्जी को यूज करके वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होता है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन हाइड्रोजन को यूज करके रिड्यूस हो गया, इज रिड्यूस्ड टू, सिर्फ कार्बन बोलना काफ़ी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड में आपको हाइड्रोजन मिल गया तो ग्लूकोज बन गया। अब पहले इसको थोड़ा सा बैलेंस वैलेंस कर लेते हैं, बेटर होगा। सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ, अगर पानी है तो आपको यहाँ पर सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। बट यहाँ पर बट है, क्या बट है, यहाँ पर तो हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल है, ये स्प्लिट हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, मतलब एटम्स आज हो रहा है ना, 12 ऑक्सीजन का एटम्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप केमिस्ट्री में सीख जाओगे, बस आप ऐसे देखो, 12 ऑक्सीजन का एटम्स यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर टूट तो छः ही एटम मिल रहा है, मतलब यहाँ पर 12 एटम होगा ना। अभी ये बैलेंस है, ये तरीके से बैलेंस है, लेकिन जो भी ऑक्सीजन निकलता है वो वाटर मॉलिक्यूल से निकलता है, और वाटर मॉलिक्यूल से हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 6 एटम्स आ रहा है, 6 एटम्स यानी कि यहाँ पर सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ तो आपका इक्वेशन गड़बड़ा जाएगा। तो क्या होता है, 6 नेट 6 जो वाटर है, ये वाटर आपका यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, तो नेट जो आपका कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है, ठीक है। कैसे निकलता है वो देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे 6 नहीं, यहाँ पर 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से आपको 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको मिल गया। अब ये जब टूटा तो टोटल 24 एटम्स ऑफ आपका हाइड्रोजन रह गया, ठीक है, 24 एटम्स, जिसमें से 12 एटम्स यहाँ रह गया, 12 एटम्स तो बाकी है, फ्री है। अब यहाँ पर 6 एटम्स ऑफ कार्बन यूज हो रहा है, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहा है, बाकी यहाँ का 6 एटम्स तो फ्री है, यहाँ पर का 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पर 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करके आपका पानी बना दे रहा है, कितना, 6, ठीक है। तो ये है आपका नेट रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, दिस इज द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन का इक्वेशन, बैलेंस 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल 12 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। दिस इज द बैलेंस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। अब यहाँ पर जो ग्लूकोज मिला, ठीक है, यही आपको ऑर्गेनिक मैटर, यही प्लांट को चाहिए, यही हमको चाहिए, यही जितने ऑर्गेनिज्म से सबको चाहिए, बेसिकली ग्लूकोज ही चाहिए होता है। बट प्लांट तो अपने लिए बना रहा है, वो हम लोगों को क्यों देगा, नहीं देगा, नहीं देना चाहता यार, क्यों देगा, वो तो कोई भी काम कर रहा है अपने लिए काम कर रहा है, दूसरे के लिए थोड़ी कर रहा है। तो प्लांट ने भी बनाया ये जो ऑक्सीजन, ये जो ग्लूकोज बनाया, उसने अपने लिए ग्लूकोज बनाया, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज बना, ये प्लांट क्या करता है, ये इसका एनर्जी रिजर्व है, मतलब जब भी उसको एनर्जी चाहिए होगा, तो ऐसा तो नहीं हमेशा तो फोटोसिंथेसिस वो कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए वो ग्लूकोज बना करके रखता है अपने लिए, कि हम जब मन चाहे तब यूज़ कर सके एनर्जी, ठीक है, जब हमको चाहे तब हम एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको यूज़ कर सके,
ग्लूकोज वो इसलिए बना रहा है। अब ये जो ग्लूकोज बना रहा है इसको तो कहीं ना कहीं स्टोर भी करना होगा, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन तो बहुत सारा आता है। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है जब पतझड़ होता है, पूरा पत्ता पेड़ का चला जाता है, उस टाइम पर तो एनर्जी रिजर्व जो है वही काम करेगा प्लांट का, और कुछ तो काम करेगा नहीं। बहुत दिन तक धूप ही नहीं होगा, लाइट ही नहीं है, बिना लाइट के क्या होगा, यही ग्लूकोज काम करेगा। तो ये जो ग्लूकोज है वो कुछ ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में रखता है, कुछ को वो इधर उधर भेज देता है दूसरे दूसरे फॉर्म्स में, और कुछ ग्लूकोज जो उसको लगता है कि अभी आसपास में कभी यूज़ होने वाला नहीं है उसको वो चेंज कर देता है स्टार्च में, ठीक है। और एक फॉर्म होता है ग्लूकोज का जो प्लांट्स के पास होता है, और वो होता है सेल्युलोज। तो सेल्युलोज जो होता है वो प्लांट्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, जैसे हमारा प्रोटीन्स है ना, प्लांट्स का भी है प्रोटीन्स, मतलब बहुत जगह पे प्रोटीन्स लगता है प्लांट्स में, बट उन लोग के लिए जो बेसिक जैसे हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक होता है वैसे उन लोग के लिए सेल्युलोज होता है, ठीक है। सेल्युलोज दूसरे तरह का ग्लूकोज कंपाउंड है, बट हाँ उन लोग के लिए सेल्युलोज भी इम्पॉर्टेंट है और बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है। तो सेल्युलोज भी कुछ ग्लूकोज से, मतलब कुछ ग्लूकोज से उनका ग्लूकोज का रिजर्व बन गया, कुछ से उनका स्टार्च बन गया जो कि इन फ्यूचर यूज़ के लिए रखा गया है, और कुछ आपका सेल्युलोज बन गया जिससे वो अपना बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएगा, ठीक है। सो प्लांट्स में बेसिकली ये एक सीन चल रहा होता है, ठीक है। तीन स्टेप में हो रहा होता है एब्जॉर्ब, पहला स्टेप में लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तीसरे में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस होता है ग्लूकोज में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, और कुछ बातें हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल क्या है, आपको मालूम है क्लोरोफिल क्या है? तो हमने पहले पढ़ा है, जब हम सेल का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने बात किया था एक क्लोरोप्लास्ट नाम का एक ऑर्गेनल के बारे में हमने बात किया था। ये क्लोरोप्लास्ट सारे ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं होता है, बहुत गिने चुने ऑर्गेनिजम्स के पास होता है, प्लांट्स के पास तो होता है। और प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट है इसी में एक पिगमेंट है, पिगमेंट यानी कि कलरिंग, ठीक है, मतलब कलर को बेसिकली हम लोग पिगमेंट बोलते हैं, टिपिकल टाइप का कलर को। तो ये जो कलरिंग आपका पिगमेंट है ये है आपका क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और यही जो क्लोरोफिल है यही वो साइट है जहाँ पर एनर्जी स्टोर होता है लाइट का, ठीक है। तो क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा आपको, जितना भी आपका ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स है, जितना भी ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स है, मैंने कहा कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, तो जितना भी आपका ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स है उसमें आपका क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, बहुत सारा एक्टिविटी है, आप एनसीईआरटी पर हो आपको मिल जाएगा, और हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे आप प्रूव कर सकते हो, बात करेंगे उसके बारे में। सबसे ईजीएस्ट तरीका जो है आप क्या करो, उसका लीफ का क्रॉस सेक्शन ले लो, ठीक है, और उसको साइड में रख करके आप देखो, माइक्रोस्कोप में रख करके आप देखो। तो जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारा सेल्स है, सेल्स के अंदर कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का डॉट्स दिख रहा है, तो वो जो डॉट्स है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं, और उससे क्लोरोप्लास्ट में होता है ये पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफिल से में लाइट ट्रैप हुआ, लाइट एब्जॉर्ब हुआ, लाइट का एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, और ये एनर्जी यूज़ किया वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज और उसको तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, किसको, पानी को, ठीक है, ये हम पढ़ लिए। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये कहाँ से आया, लाइट तो ठीक है चलो सन होगा, सन के साथ सनलाइट आया मिल गया, क्लोरोफिल भी हमने बात कर लिया कि हाँ पहले से होता है प्लांट्स के पास, ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आया, तो ये एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स कहाँ से, रूट से, ठीक है, रूट्स से वो जाइलम के थ्रू वो ऊपर खींच लेता है पानी और पौधा के पास, मतलब लीव्स के पास पहुँच गया जहाँ पर बेसिकली ये सारा चीज़ हो रहा है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस एनर्जी, मतलब इस लाइट का एनर्जी को यूज़ करके टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, ये बात हुआ। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड वो होता है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका कहाँ से आया, प्लांट्स के पास कहाँ से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये प्लांट्स को मिलता है स्टोमाटा से, ठीक है, स्टोमाटा के बारे में हमने बात किया है,
नहीं किया, तो अभी करते हैं। कैसा होता है स्टोमाटा? तो ऐसा होता है आपका स्टोमाटा, ये है आपका गार्ड सेल। एक बीन शेप का सेल आपको बनाना है, दूसरा आपका दूसरे साइड से इस तरह से होता है आपका बीन शेप का सेल, ठीक है। इसमें होता है जगह जगह पर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। और इधर होता है सब्सिडरी सेल्स, ठीक है, इन सबको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, ये दोनों जो है बीन शेप्ड सेल्स, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये जो बीच में जो सबसे बड़ा पोर है, इसको हम कहते हैं स्टोमाटल पोर। जो भी आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो इसी से होता है, इस स्टोमाटल पोर से, ठीक है। सो ये रहा आपका बेसिकली, ये जो है आपका, ये सब जो डॉट डॉट जैसा दिख रहा है, ये सारे हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब इसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है? तो ये जो है, ये जो स्टोमाटा है, ये स्टोमाटा का बेसिक काम जो होता है वो होता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। स्टोमाटा जो होता है ये खुलता ही ऐसे है कि जहाँ ये जो है, ये गार्ड सेल जो है, ये आपका पानी से खुलता बंद होता है। अगर पानी इसमें से यहाँ से निकल करके इस तरफ आ गया, ठीक है, सब्सिडरी सेल की तरफ आ गया, बाहर आ गया, तो ये क्या होगा, ये जो गार्ड सेल है ये इस तरह से पिचक जाएगा, ठीक है, ये गार्ड सेल इस तरह से पिचक जाएगा। अब ये जो पिचक गया तो इसका जो पोर है, ये बीच वाला, ये तो बंद हो गया, है ना, ये बीच वाला पोर आपका बंद हो गया, ये वाला। तो यहाँ पर अभी स्टोमाटा क्लोज हो गया, स्टोमाटा क्लोज हो गया, यानी कि ना यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, ना ही वाटर का लॉस हो सकता है। यही चीज़ होता है जब स्टोमाटा, जब प्लांट को ज़रूरत नहीं होता, जब प्लांट को ज़रूरत नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड का या कुछ भी लेने देने का, तो वो क्या करता है, अपना स्टोमाटा को इस तरह से बंद कर लेता है ताकि वाटर लॉस प्लांट का ना हो सके, ठीक है। और वहीं जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत है तो क्या होगा, इधर इधर से पानी आएगा इस तरफ, ठीक है, हर तरफ से पानी आएगा, इसमें पानी भरेगा, पानी भरने से भरते 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 ये बलून की तरह से फूल जाएगा, फूल करके ऐसा हो जाएगा, और जब ऐसा हो जाएगा तब इसमें पूरा पानी, तब ये खुल गया, पोर खुल गया इसका। अब ये जब पोर खुल गया तो इससे एक्सचेंज ऑफ वाटर भी होगा, मतलब वाटर का ट्रांसपिरेशन भी होगा, ट्रांसपिरेशन भी चल रहा होगा इधर, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी चल रहा होगा। यही वो तरीका है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है, कहाँ से, स्टोमाटा से, ठीक है। हम लोग ने तीनों स्टेप्स डिस्कस किया, क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, और दूसरा हाइड्रोजन पानी को स्प्लिट किए हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तीसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर अभी आया इधर से घुसा, उसको उसमें हाइड्रोजन को मिला करके हम लोग ग्लूकोज बना दिए, ठीक है। सो ये होता है पूरा फोटोसिंथेसिस में। अब प्लांट को सिर्फ फूड ही नहीं चाहिए होता, मतलब प्लांट को सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं चाहिए होता है, ग्लूकोज के अलावा उसको प्रोटीन्स भी चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? बहुत सारा जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें एक कैटलिस्ट का जरूरत होता है, एक बायो कैटलिस्ट का, और उन बायो कैटलिस्ट को हम एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, वो एक्टिवेशन, मतलब बहुत सारा रिएक्शन को स्टार्ट करने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं, कुछ एक्सोथर्मिक होते हैं, जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनके लिए तो एनर्जी चाहिए। अभी जो एनर्जी है ये कौन प्रोवाइड करेंगे? तो ये वो बायो कैटलिस्ट, एंजाइम्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं एनर्जी इस रिएक्शन को, ठीक है। तो उन एंजाइम्स को बनाने के लिए प्लांट को बहुत कुछ चाहिए होता है। उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा फंक्शन होता है जिसके लिए बहुत सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स को? प्लांट्स को मिलते हैं सॉइल से। तो सॉइल से क्या क्या, आप बेसिकली अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बात करें तो सोडियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को मिलता है कहाँ से, सॉइल से।
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये तीन सबसे ज़रूरी है। नाइट्रोजन आपको मिलता है नाइट्रोनाइट्राइड के फॉर्म में, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब कहीं पर मान लो नाइट्रोजन नहीं है या कुछ न्यूट्रिएंट्स मिसिंग है, तो क्या प्लांट्स वहाँ पर नहीं होंगे? और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं ना जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, तो क्या वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करते हैं? तो क्या सीन है उन लोगों का? उन लोगों का क्या है ना कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली आपके ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं। ग्रीन पार्ट तो उनमें भी है ना, तो ग्रीन कलर के जो भी हैं बेसिकली क्लोरोफिल है, तो उन लोग मस्त कर सकते हैं अपना कार्बन फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद बना सकते हैं, ग्लूकोज खुद बना सकते हैं, सब कुछ अपना बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उन जिस सॉइल में वो रहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जिन सॉइल्स में जो सॉइल में रहते हैं वहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स का कमी होता है। अब वो जो न्यूट्रिएंट का कमी है उनको कहीं ना कहीं से तो फुलफिल करना पड़ेगा। कहाँ से फुलफिल करेंगे? तो उसके लिए वो ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को, ठीक है? तो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उसका उनका जूसेस निकाल के, जूसेस में आपका बेसिकली जो जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए वो फटाफट ले करके बाकी सारा को स्पिट आउट कर देते हैं, बाकी सारा को फेंक देते हैं। तो जो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो भी आपके ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स ही हैं, बट मजबूर है हालात से। किस लिए? उनको न्यूट्रिएंट्स का कमी है सॉइल में, और वो न्यूट्रिएंट्स का कमी वो लेते हैं इन इंसेक्ट्स, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा न्यूट्रिशन के टाइप्स और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, और बाकी हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।